भारतीय सिक्योरिटी सर्विस मुर्दाबाद 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 भारतीय सिक्योरिटी सर्विस मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारा पेमेंट 5 महीने से बाकी है, पेमेंट करो, पूरा करो, पूरा करो, हमारा पेमेंट पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। भारतीय सिक्योरिटी मुर्दाबाद भारतीय सिक्योरिटी मुर्दाबाद हमारी मांग पूरी करो। पार्टी सिक्योरिटी मुर्दाबाद पार्टी सिक्योरिटी मुर्दाबाद। हमारा वेतन 5 महीने से बाकी है, पूरा करो, पूरा करो, हमारा वेतन पूरा दो, पूरा दो, पूरा दो। पार्टी सिक्योरिटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पार्टी सिक्योरिटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारा वेतन पूरा दो, पूरा दो, पूरा दो, हमारा पार्टी सिक्योरिटी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारा वेतन पूरा दो, हमारा वेतन पूरा दो, हमारा वेतन पूरा दो, जनवरी तक का पेमेंट पूरा दो, पेमेंट पूरा दो, सितंबर सितंबर हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो। बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में एक प्राइवेट एजेंसी के थ्रू लगे हुए हैं, जिनको आज कम से कम 5 महीने से ऊपर हो गए हैं, जिनमें स्वीपर है, सिक्योरिटी गार्ड है, हेल्पर है और सफाई कर्मी है। तकरीबन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और मेडिकल कॉलेज में 80 वर्करों का है पूरा, तो उसमें हमारे को आज 5 महीने से ऊपर हो गए लगभग। हमारे को जो भाटी सिक्योरिटी के थ्रू रखा हुआ था, तो अब ठेकेदार जो है वो हमारे को पेमेंट नहीं दे रहे हैं। आज हम काफ़ी टाइम से, 1 महीने से ऊपर हो गया, हम पूछताछ करते हुए, सर हमारा पेमेंट, हमारा पेमेंट, हमारा पेमेंट, लेकिन पेमेंट नहीं मिल रहा है। ठेकेदार बोलता है कि 5 दिन में पेमेंट दे रहा हूँ, 10 दिन में पेमेंट दे रहा हूँ। अब ये पेमेंट किस वजह से रुका हुआ, इसकी हमारे को जानकारी नहीं है। ऑफिस की वजह से रुका हुआ है, कॉलेज प्रशासन की वजह से रुका हुआ, इसका भी हमको पता नहीं है। ठेकेदार की कुछ कमियाँ हैं, उसकी वजह से रुका हुआ, उसकी भी हमको पता नहीं है। जब हमने फ़ोन किया ठेकेदार को, तो बोलता है कि हमारे घर पर कुछ काम है, मैं आज आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ करके। हमारे को तकरीबन सितंबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर करके हमारे 5-6 महीने होने को आ गए। अभी ये फरवरी में हमारे को अभी भी चला रहे हैं कि आप चलते जाओ, 15 दिन बाद में मैं आपको पेमेंट क्लियर कर दूंगा। सुबह हमने फ़ोन किया तो बोल रहे हैं कि आपके खाते में हम 5,000 रुपये दे रहे हैं, बाकी वाला 2-10 दिन बाद में देंगे। हमारे को 5,000 रुपये 4 महीने से हम लोगों से इधर उधर से मांग मांग के चला रहे हैं, घर का खर्चा भी चला रहे हैं, और उसमें हमारे को फिर 5,000 रुपये या 10,000 रुपये काम आई में रखेंगे, हम के उधार वालों को देंगे या घर का खर्चा चलाएंगे। इस वजह से हम परेशान हो गए हैं। आज हम पूरा स्टाफ मिलके और प्रिंसिपल सर को भी हमने बताया, उनको एक ज्ञापन भी दिया था हमने कुछ दिन पहले कि हमारे किसी भी तरह से ठेकेदार से बात करके हमारा पेमेंट दिलवाओ। जब ठेकेदार से बात की, जब नहीं माने, तो अब हम जाएंगे कलेक्टर साहब के पास में या फिर श्रम विभाग के पास में।